guys to my YouTube channel. My name is Durga. You are visiting reaction. तो आज मैं reaction video बनाऊंगी RR movie के NTR sir और Ram Charan sir को मिला है Oscar award जो history बना दिया है इस award ने. तो आज हम इसी के ऊपर reaction video बनाएंगे. लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे channel पे नहीं हो तो आप लोग हमारे channel को subscribe, like, share करना मत भूलना. Bell icon पे click कर देना जिससे आने वाली सारी video की notification आपको सबसे पहले मिल सके. So don't wasting any time. Let's get watch it. Oscars 2023 का function खत्म हो चुका है और उसके final winners अपने सामने जिसमें से इंडिया ने दो जीते हैं उसकी बात करेंगे. लेकिन अगर तुमको याद है तो पिछले साल के ऑस्कर्स में मारा मारी हो गई थी लिटरली. इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ क्या? मुक्काबाजी जैसा कुछ दिखा तो नहीं अपने को. लेकिन जो होस्ट थे इस बार के जिमी किमल, उन्होंने RRR को एक बॉलीवुड मूवी बोला. कोई भाई साहब को रीमेक सुना रहे. एक और इस बार के ऑस्कर्स में कि नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसका लाइव परफॉर्मेंस किया गया स्टेज के ऊपर. गाने के जो ओरिजिनल सिंगर थे वो लोग वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने वो गाना गाया और स्टेज पे डांस भी हुआ. लेकिन रामचरण और जूनियर एंटीयर नहीं थे उसमें. अब अगर एक्चुअल में वो दोनों परफॉर्म करते तो काफी मजा आता, लेकिन नहीं किया तो उसके पीछे भी काफी रीजन हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन जब दीपिका पादुकोण आए उस चीज को बताने के लिए तो RRR के नाम पे जो हूटिंग हो रही है वहां पे अच्छा लगा यार देख के. क्योंकि नाटू नाटू पहला ऐसा गाना है जो कि एक इंडियन फिल्म से नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर्स में. आज तक कोई भी नहीं हुआ था और नाटू नाटू ने वो जीत भी लिया. यहाँ पे अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जय हो भी तो इंडियन ही गाना था ना, उसने भी तो ऑस्कर जीता है, तो नाटू नाटू पहला कैसे हुआ? वेल, जय हो जो गाना है वो स्लमडॉग मिलियनेयर का था और वो एक ब्रिटिश मूवी है, इंडियन नहीं. ब्रिटिश मूवी कुछ लोगों को फिर भी ये बात छोटी मोटी लग रही है. तो जितना मैं रिसर्च कर पाया ना, नाटू नाटू पहला एशियन सॉन्ग बना है. पूरे एशियन सॉन्ग गाना जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता हो ऑस्कर्स में, काफी बड़ी अचीवमेंट है और काफी ज्यादा प्राउड वाली बात है. अब यहाँ पर मैं कुछ कॉमेंट्स ऐसे सेंस कर सकता हूँ कि यार ऑस्कर ये तो जीता है ना, वो अपना अवार्ड थोड़ी है, वो तो बाहर के देश का अवार्ड है. इसी बात के कारण तो ये अचीवमेंट और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि दूसरों के देश में जाके दूसरों के अवार्ड में जीत के आए. और जितनी बड़ी बात ये RRR को लेके ना, उतना ही बड़ा अचीवमेंट दूसरे अवार्ड को भी है. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में द एलिफेंट विस्परर्स जीती है. बहुत ही इनसेन लेवल की अचीवमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली इस कैटेगरी में तो पहला अवार्ड है इंडिया का. तुमको अगर रियलाइज नहीं हो रहा है तो ये इंडिया की तरफ से आज तक का पहला प्रोडक्शन है ऑस्कर जीतने वाला. दूसरे किसी को कम नहीं बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि ऑस्कर जीतना तो ऑस्कर जीतना होता है. लेकिन फिर भी बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट म्यूजिक, ये तो पूरी पिक्चर में से किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अवार्ड हो गए. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मतलब ओवरऑल पूरी शॉर्ट फिल्म को मिला, वो भी पूरी हिस्ट्री में पहली बार किसी इंडिया में बनी हुई चीज को. तुमको अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो फिर जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का कैटेगरी था जिसमें सब लोग बोल रहे थे कि RRR को भेजना चाहिए, लेकिन उसके बदले द लास्ट शो या फिर छेलो शो को भेज दिया था, उसका क्या हुआ? उस कैटेगरी के अंदर एक जर्मन मूवी जीती है जो कि वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर बनी थी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. लेकिन सिर्फ बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ही नहीं बल्कि वो ओवरऑल 9 कैटेगरीज के अंदर नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से इस जर्मन मूवी ने 4 अवार्ड जीते हैं, सेकंड हाईएस्ट था इस सेरेमनी का. पिछले साल जो द बैटमैन मूवी थी उसने एक भी अवार्ड नहीं जीता. लेकिन बात इंटरेस्टिंग तब हुई ना जब इस पिक्चर को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के अंदर नॉमिनेट भी नहीं किया गया था. इसी के लिए जो एकदम लेजेंडरी सिनेमाटोग्राफर है रॉजर डीकन्स, उन्होंने एकेडमी को खुलेआम क्रिटिसाइज भी कर दिया क्योंकि उनकी नजर में द बैटमैन सबसे बेस्ट थी पिछले साल. लेकिन उसके बदले ये सिनेमाटोग्राफी वाला अवार्ड कौन लेके गया? वही जर्मन पिक्चर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. लेकिन इस साल के ऑस्कर्स में एक मूवी जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं, पूरा डॉमिनेट किया है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, 11 नॉमिनेशंस मिले थे उसको, उसमें से उसने 7 अवार्ड जीते हैं. बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल. यही सपोर्टिंग रोल वाले कैटेगरी के अंदर एंजेला बैसेट भी नॉमिनेट हुई थी फॉर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, लेकिन वो नहीं जीती क्योंकि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने डॉमिनेट किया. और भी कैटेगरीज है, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ये हो गए टोटल 6. और पूरे फंक्शन का जो सबसे बड़ा अवार्ड है बेस्ट पिक्चर का, वो भी यही. विनर अनाउंस करने के बाद मूवी के एक्टर के वाई क्वांग ने जो हग किया है हैरिसन फोर्ड को, दोनों ने 1984 में इंडियाना जोन्स मूवी के अंदर काम किया था. भले तुमने वो देखी है, इनकी हिस्ट्री तुमको नहीं पता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो गले मिल रहे काफी होलसम. और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की ये जो एक्टर है उनकी खुद की पर्सनल स्टोरी भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि उसी इंडियाना जोन्स मूवी से अपना नाम करने के बाद 20 साल तक इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी क्योंकि एक एशियन अमेरिकन रोल्स में उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी. और 20 साल बाद कमबैक मारा
मारा तो इसी पिक्चर से एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, कमबैक मारा तो मारा उसके लिए खुद भी ऑस्कर जीत गए। उसी मूवी में जो उनकी कोस्टार थी मिशेल यो, उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, फर्स्ट एशियन वुमन एवर। अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने काफी अच्छी बात कही कि लेडीज डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू यू आर पास्ट योर प्राइम, जिससे याद आया कि एक दिन अपना भी प्राइम खत्म हो जाएगा, पर कोई नहीं पूछेगा, तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। प्राइम कितना जाता है वो टच तो करें, सब्सक्राइब। बची हुई नोटेबल फिल्म्स जिन्होंने ऑस्कर जीता, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को एक मिला है फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम, अवतार द वे ऑफ वाटर को भी एक ऑस्कर मिला फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था गेस करना, टॉप गन मैवरिक को भी एक ऑस्कर मिला फॉर बेस्ट साउंड, जो कि थोड़ा कम फील होता है क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग ने खुद टॉम क्रूज को बोला था कि यू हैव सेव्ड हॉलीवुड्स एस, और उसके बदले हॉलीवुड ने क्या किया, एक ऑस्कर थमा दिया। वैसे तो एक ऑस्कर अपने ब्लैक एडम चिचा भी डिजर्व करते हैं फॉर चेंजिंग द हायरार्की ऑफ डीसी यूनिवर्स, तो कैसे अपने को पोस्ट क्रेडिट के नाम पे चूतिया बनाया था। लेकिन अगर तुमको एक और ऐसी ही इंडियन मूवी देखनी है जो कि डेफिनेटली ऑस्कर्स जीत जाती है अगर उसको भेजते, तो वीडियो बनाया मैंने उसके ऊपर, रखा जाके देख लो, मिस किया मैंने सच में ऑस्कर्स के अंदर लेजेंड का वो लेजेंडरी वॉक। रील्स देखना है तो इंस्टाग्राम की आईडी रही फॉलो कर लेना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।